Students, let's start important point of intersection which are present in the phase diagram. These point of intersections are very important and give a lot of information about the transformation of the phases. Among these points, three or four points are very important. Eutectic point, peritectic point, monotectic point, eutectoid, peritectoid. These point important hai. और अगर आप लोग देखें ये आपके सामने जो फेज डायग्राम है इसमें अगर देखें तो ये पॉइंट ऐसा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से एक जहाँ पर एक लिक्विड फेज दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है और अगर आप पूरे फेज डायग्राम में देखें तो ये सबसे इजी पॉइंट है जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे ईजी मेल्टिंग होगी। बाकी जगहों पर ये होगा कि जैसे जैसे और कोई भी कॉम्पोजिशन अगर आप लेते हो तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फेज दो सॉलिड फेज स्लोली पहले लिक्विड में कन्वर्ट होंगे फिर आस्ता आस्ता दूसरा फेज भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मुकम्मल कंप्लीट मेल्टिंग जो है वो बहुत देर से होगी जबकि इस पॉइंट पर बड़ी आसानी से मेल्टिंग होती है। तो जब आप कोई अलॉय प्रिपेयर करोगे या कोई चॉइस करोगे किसी मटीरियल की चॉइस करोगे तो आप स्पेशली ये इस तरह के पॉइंट वाली कॉम्पोजिशन लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। फेजेस कम से कम आएंगे उसको स्टडी करना आसान है और जिसमें फेज सिंगल फेज हो उसकी प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती है। ऐसा मटेरियल प्रॉपर्टी वाइज भी अच्छा होता है एप्लीकेशन वाइज भी अच्छा होता है। तो इस तरह हम फेज डायग्राम से मटेरियल की सिलेक्शन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को देखते हुए। तो अगर हम देखें पहला यूटेक्टिक पॉइंट क्या है तो ये फेज डायग्राम ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो पॉइंट एक लिक्विड फेज सॉलिड फेज में दो फेज सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाए या फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो फेज डायग्राम में ऐसा पॉइंट जिसमें फौरन दो फेजेस से एक लिक्विड फेज बन जाए इसको हम यूटेक्टिक या यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। यूटेक्टिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड यूटेक्टोस से निकला है जिसका मतलब इजिली मेल्टेड और यहाँ इजिली मेल्टिंग होती नजर भी आ रही है। इसी तरह यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बिल्कुल इसी तरह जैसे ये एक लिक्विड फेज से दो सॉलिड फेज का बनना कूलिंग के दौरान या फिर हीटिंग करते हुए दो लिक्विड फेज दो सॉलिड फेज का एक लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना बिल्कुल इसी तरह अगर एक सॉलिड फेज दो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है या दो लिक्विड एक सॉलिड फेज दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं फेजेस में या दो सॉलिड फेजेस एक लिक्विड फेज में जा रहे हैं किसी एक पॉइंट पर उस पॉइंट को हम कहेंगे यूटेक्टोइड और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी बाय चेंजिंग द टेंपरेचर इसको हम कहेंगे यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप नीचे इस फिगर में देखें तो यहाँ पर यूटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है। इसके बाद है पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट फेज डायग्राम में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पर एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज दो फेज कन्वर्ट होते हैं एक सॉलिड फेज में अगर टेम्परेचर लोअर करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक सॉलिड फेज एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट या फिर पेरिटेक्टिक। और पेरिटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जब एक दो सॉलिड फेज एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट हों विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक सॉलिड फेज दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हों ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं पेरिटेक्टोइड ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी आप लोगों ने तो सारी आपस में मिक्स हो जाएंगे पेरिटेक्टोइड और यूटेक्टोइड ये चीज़ें ये मुख्तलिफ हैं। यूटेक्टोइड में ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड की दो सॉलिड फेज में है टेम्परेचर लो करते हैं तो पेरिटेक्टिक पॉइंट में एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज की कन्वर्जन है एक सॉलिड फेज में टेम्परेचर लो करते हुए। तो ये फर्क आप लोगों ने बस याद रखना है। वैसे इनकी सारे फेजेस को सारे इन पॉइंट्स को हम समराइज भी करेंगे ये तीन जो इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं तीन इनको हम आगे करते हैं तो वो समराइज करते हैं वहाँ पर आपको मजीद चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। आगे मोनोटेक्टिक पॉइंट या मोनोटेक्टिक वेरिएशन या रिएक्शन इन द फेज डायग्राम वो क्या है कि अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें एक लिक्विड फेज टेम्परेचर लो कर रहे हैं और एक लिक्विड फेज दो एक लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो लिक्विड और सॉलिड में इसको हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं मोनोटेक्टिक।
ये जरा इसको ये बहुत ज्यादा मिलता है पेरिटेक्टिक से। पेरिटेक्टिक में टेम्परेचर लो करते हुए एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जबकि मोनोटेक्टिक टेक्टिक में एक लिक्विड फेज और सॉलिड में कन्वर्ट करता होता है टेम्परेचर को लोअर करते हुए। तो ये डिफरेंस याद रखना है। फिर देखने पेरिटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज दो फेज टेम्परेचर लो करते हुए एक सॉलिड फेज में जाते हैं, जबकि मोनोटेक्टिक में एक लिक्विड फेज सिंगल फेज टेम्परेचर लो करते हुए एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज में जाता है। ये इनको जैसे यहाँ पर ये पॉइंट अगर देखें 36 वेट परसेंट ऑफ कॉपर पर 36 वेट परसेंट ऑफ कॉपर प्लेटियम बन रही है, तो 36 वेट परसेंट ऑफ प्लेटियम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मोनोटेक्टिक पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इनको ये यहाँ पर हम सारों को समराइज करते हैं तो यूटेक्टिक टेम्परेचर लो करते हुए फ्रॉम लिक्विड टू टू सॉलिड फेज ये पॉइंट, पेरिटेक्टिक एक लिक्विड और एक सॉलिड फेज में ये फेज ये पॉइंट, मोनोटेक्टिक एक लिक्विड और सॉलिड फेज में ये पॉइंट, और इसी तरह ये यूटेक्टॉइड एक लिक्विड फेज एक सॉलिड फेज दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है, और पेरिटेक्टॉइड में दो सॉलिड फेज एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको आप लोग इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको उनका कुछ पता चल गया तो ये आपको मैंने एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग। ये फेज डायग्राम है कॉपर जिंक फेज डायग्राम, यानी ब्रास की फेज डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो इसमें वो तमाम जो थ्री इनवेरियंट पॉइंट हैं वो आपको नजर जो भी आ रहे हैं आपको उनमें आप इनमें सिर्फ वो लोकेट करोगे जो आपने पढ़े हैं, यानी मोनोटेक्टॉइड या मोनोटेक्टिक पॉइंट, पेरिटेक्टिक और यूटेक्टिक पॉइंट्स कौन से हैं, और मोनोटेक्टॉइड और यूटेक्टॉइड कौन से, पेरिटेक्टॉइड और यूटेक्टॉइड कौन से पॉइंट हैं, वो सारे आप लोगों ने यहाँ से डिटर्मन करने हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर योर एक्सरसाइज। ये एक एग्जाम्पल में लेता हूँ बाइनरी फेज डायग्राम की, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी फेज डायग्राम है लेड टिन सिस्टम में अगर देखें तो ये लेड और टिन का कॉम्बिनेशन जो है मिक्सचर ये बनता है लेड लेड सोल्डर। सोल्डरिंग आपने देखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम वो जो छोटे कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल के ये जो चिप बोर्ड होता है उसके ऊपर लगे होते हैं कंपोनेंट छोटे, और उनको वहां पर लगाने के लिए कनेक्ट करने के लिए हम वो सोल्डरिंग मटेरियल यूज करते हैं, वायर सोल्डर वायर जो आसानी से मेल्ट हो जाती है। तो वो सोल्डर जो है ये लेड टिन सोल्डर होता है। वो लेड टिन सोल्डर आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, आप एक लेड टिन सोल्डर बनाना चाहते हैं। अब उसकी फेज डायग्राम को हम देखेंगे। फेज डायग्राम में अगर तो आप ये कॉम्पोजिशन ले लेते हैं, फर्ज करेंगे 20-30 वेट परसेंट टिन, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो इसका जो मेल्टिंग है कंप्लीट मेल्टिंग यहाँ पे हो रही है। अब अगर आप जो कम करेंगे ये चीजें जरा समझ नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों ने एक शोल्डर वायर बना दिया और उसकी आप प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हो, लेकिन कॉम्पोजिशन ले लेते हो यहाँ पर 40, लेट्स से 40 वेट परसेंट ऑफ टिन ले लेते हैं, तो यहाँ अगर हम देखें जब आप उसको मेल्ट करके सोल्डरिंग करेंगे, पहली बात तो यह है कि वो ये तकरीबन 200 से बिलो तक तो वो सॉलिड फेज होगा, लेकिन दो फेज होंगे, और इसके बाद अगर हम टेम्परेचर को 200 से बढ़ाते हैं तो फिर एक लिक्विड फेज आ जाता है, यानी वो सॉलिड रहता ही नहीं। तो आप लोगों को लाजमी तौर पर ये उस मटेरियल की सोल्डरिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब आप उसे 200 तक टेम्परेचर देते हो तो वो सोल्डरिंग तो करेगा, लेकिन अगर सोल्डरिंग उसकी लेकिन अगर कहीं भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो सोल्डरिंग मटेरियल होते हैं ये बेहतर होते हैं कि टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा भी मिले ये सोल्डर जो कनेक्शन जो है कनेक्शंस ये कॉन्टेक्ट्स जो है ये कायम रहें, लेकिन अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ जाता है, फर्ज कर टेम्परेचर 250 पे चला जाता है 210 पे चला जाता है, तो 210 पे आपका जो सोल्डर होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ पर तो दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है वो तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट भी ऐसा होगा एक कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी, कुछ सेग्रीगेशन वहाँ मौजूद होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, यानी उसमें अल्फा फेज भी सॉलिड भी मौजूद होगा लिक्विड भी होगा, तो वो बड़ा अजीब सा होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा सोल्डर जो है खास पर्टिकुलर टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक शार्प टेम्परेचर पर
मेल्ट हो जाए और उसी पे सॉलिडिफाई हो जाए। तो अगर इस सारे में देखें तो हमें ये एक पॉइंट बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, ये पॉइंट एक लिक्विड फेज से दो सॉलिड फेज बनना, एक लिक्विड फेज से दो सॉलिड फेज बनना, ये यूटेक्टिक पॉइंट है। तो ये हम पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट पर अगर इस ये कॉम्पोजिशन लें तकरीबन 68% ऑफ टिन, तो हमारा सोल्डर वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एप्लीकेबल है। तो वो इसलिए हम यहाँ पर इसकी ये कॉम्पोजिशन चूज करेंगे जो बेहतर रहेगा। ये तकरीबन 61.98% है, और अगर इस पर हमें सोल्डर सही सोल्डरिंग मटेरियल बनेगा, इससे ज्यादा कॉम्पोजिशन या कम कॉम्पोजिशन पे प्रेसिपिटेशन बनेगी, और इस प्रेसिपिटेशन से वो सही नहीं होगा, कुछ लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा होगा, कुछ सॉलिड होगा, तो वो सोल्डरिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये बाइनरी फेज डायग्राम में हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत हेल्पफुल होती है फॉर सिलेक्शन ऑफ मटीरियल। स्टूडेंट, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, सो वी ब्रेक हेयर एंड देन वी विल स्टार्ट द लास्ट सेगमेंट ऑफ द लेक्चर, लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, विच इज टेनरी फेज डायग्राम।